गिर जाता है वोल्ट्रॉन डाउन एंटी मैक्स पार्क। क्या यहाँ पे सबसे पहली स्क्वाड जो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी? यस बिल्कुल, पहले 7C एक्सो इन लोग को स्लॉट नहीं मिला था, लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। नॉर्दर्न साइड से फ्लाइट पाथ शुरू है, सदर्न साइड पे खत्म होता हुआ वर्टिकल फ्लाइट पाथ, स्लाइट वेस्टर्न शिफ्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। मिलिट्री बेस जाने वाली टीम्स को दिक्कतें नहीं होने वाली है। एक ऐसा फ्लाइट पाथ जो कि मैप को लगभग हाफ में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, टीम्स को जहाँ जाना है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देव को डाउन करेंगे और इसी के साथ नियो के हाथों देव यहाँ पे डाउन होते हुए सबसे पहला जो फिनिश है वो जाता हुआ क्लच गॉड को। डार्क की बात करें वो नीचे से निकल गए, बाकी के जो यूडॉक के प्लेयर्स थे वो भी काफी ज्यादा जल्दी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये कौन सी टीम है और किस तरीके का इनका जो गेम प्ले है वो हमें देखने को मिलता है। एंड जी हाँ, वो जो गेम प्ले है वो इनके गेम प्ले में देखिए दर्शा भी रहा है। बिल्कुल वहां पर जो है पीछे जाना शुरू कर दिया है उनको, बिल्कुल जिनका फोकस है वो उसी टीम के ऊपर है। इवन बात कर रहा था एंड कवर फाइट बेहतरीन तरीके से आता हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गॉडल वर्सेस टीएक्स की, वहां पर स्काउट को डाउन कर दिया गया। टीएक्स मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत में नजर आ रही है, साथ साथ में रिवाइवल जो है वो आएंगे कि नहीं वो एक बड़ा सवाल होने वाला। टॉप टॉप रिवाइव करना पड़ेगा, व्हीकल वहां पर तोड़ी ताकि कोई भी डैमेज ना पड़े, बट राइवलरी की टीम वो वहां पर रशिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। अभी के लिए कंफर्मेशन साथ नहीं चाहते। ऑस्टिन को भी वहां पर नॉक कर दिया गया। फाइनल बॉस बहुत अच्छा नॉक निकालते हुए टीम राइवलरी अभी मुझे ऐसा लग रहा है ड्राइविंग सीट पे आ चुकी है। अमेजिंग जी, बिल्कुल वो यहां से निकलना पसंद करेंगे, उन्हें भी पता है प्लेसिंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट गॉडल वर्सेस टीम एक्स बाकी जो फाइट है वो अभी भी चल रही है। नेट बारी करी जा रही है, दो प्लेयर ऊपर की साइड पे मौजूद है। जोनाथन का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता है वोल्ट्रॉन डाउन एंड टीम एक्स पार्क। क्या यहां पे सबसे पहली स्क्वाड जो यहां पे एलिमिनेट हो जाएगी? यस बिल्कुल, टीम एक्स पार्क 0 फिनिशेस के साथ मावी अकेले बचे थे। जोनाथन खत्म करते हुए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टीम को, टीम एक्स पार्क खत्म हुई जरूर टीम। जोनाथन अपने फॉर्म में एक बार फिर से आते हुए दो फिनिशेस निकाला, टोटल 5 फिनिशेस आते हुए टीम गॉडलाइक के पास। स्काईलाइट्स गेमिंग वर्सेस राइवलरी की जो फाइट है वो भी हमें देखने को मिल रही है। राइवलरी का जो प्लेयर नॉक था उसको फिनिश किया गया। F1 वर्सेस गॉडलाइक की जो फाइट है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। गॉडलाइक इस वक्त जोन के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित, यू डॉग इंडिया की बात करी जाए वो भी पूरी तरीके से जोन के सेंटर पे आपको सुरक्षित देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 8 टीम्स 24 प्लेयर्स बचे हैं। ऑन एन एवरेज हर टीम में मेजी 3-3 प्लेयर हैं, बट थोड़ा सा डिस्पैरिटी जरूर है वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। गॉडलाइक के पास 7 फिनिशेस यहाँ पर हो चुके हैं, बेहतरीन प्रदर्शन उन्हें करके दिखाया। क्लच गॉड और प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश करते हुए गॉडलाइक जो है एक अच्छे पोजीशन पे थी, वहां पर सर्कल का जो सदर्न एज है उस तरफ मौजूद थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि 8 टीम्स बची हुई है। ओ, मैं जिसकी बात कर रहा था इजी एंट्री की वो नहीं होने वाले, क्योंकि गॉडलाइक ये वाला जो एज है वो यहाँ पर ओन करने वाले हैं। ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर्स बचे हुए, क्लच गॉड रेडी है पूरी तरह से, वहां पर आई थिंक मेक्सिको नॉक कर दिया है। फिनिश करने के लिए भी जाएंगे, आसानी से फिनिश भी कर देंगे। स्मोक यहां पर बचाने नहीं वाला है। आदित्य वहां पर जो है वो बर्नेक्स के द्वारा फिनिश होते हुए, इसी के साथ साथ ऑरेंज रॉक एकदम से ऐसा लग रहा था जोन के अंदर पहुंच जाएंगे, पहुंच भी गए थे, बट बर्नेक्स एंड गॉडलाइक यहां पर एक साथ मिलते हुए इसी के साथ साथ फिनिश होता हुआ। बट व्हीकल यहां पर एक्सप्लोड हुए जोनाथन नॉक। जी बिल्कुल, बट ये हेडशॉट काफी ज्यादा बढ़िया था, पहले स्प्रे दिया फिर टाटा शॉट्स वहां पे कनेक्ट करते हुए नजर आए। जोनाथन डाउन ने रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि अभी भी सर्कल उनके पास है। पैराडॉक्स अगले बच्चे टीम से एक अच्छा स्प्रे गया दूरियों की बात के सिक्स गाड़ी ब्लास्ट, पैराडॉक्स खत्म हो चुके हैं। जोनाथन को बचाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। स्मोक करेंगे अपने जो प्लेयर उनको बचाएंगे। 10 टोटल फिनिशेज आपको गॉडलाइक स्क्वाड के पास देखने को मिलेगा। ये गॉडलाइक जिनको हम कल मिस कर रहे थे, जो हमारी जनता है जिनको वो मिस कर रहे थे, फाइनली उनका गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। पास्ट टीम 18 प्लेयर इस वक्त सर्वाइव करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट सर्कल किसके हक में जाने वाला। साथ साथ में अगर हम बात करें गॉडलाइक की, वो तो शुरुआत से इस मैच में दिखाते हुए कि क्यों इतना माना जाता है उनको। जोनाथन शुरुआत से यहाँ पर पहले टीम एक्स पार्क का वहाँ पर जो एग्जिट करवाया था वो, एंड उसके बाद भी यहाँ पर एक के बाद एक फिनिश निकाले। बर्नेक्स भी यहाँ पर 3 फिनिश के साथ टॉप 5 में एंट्री करता हुआ, बट यहाँ पर स्लॉट किया गया एंड क्लच गॉड ऐसा तो लग रहा है कि जो भी वहाँ पर फिनिश फील्ड में नाम आता है इट्स गॉडलाइक जो हर बार वहाँ पर नॉक निकालते। थोड़ी देर पहले ऑरेंज रॉक का वहाँ पर नॉक निकाला था एंड अब यहाँ पर बर्नेक्स जो, एंड इसी जगह पर लगभग सेम जगह थी जहाँ पर ये चीज हुई थी। जोनाथन उस तरफ जेनी को निकालते हुए एंड गॉडलाइक हर टीम को यहाँ पर एक एक करके दिक्कत दे रही है। जी बिल्कुल, बट जोनाथन की बात करें 4 फिनिशर निकाले, क्लच गॉड को देखना पड़ेगा उनके पास इस वक्त ज्यादा फिनिशर्स आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से जो प्लेयर है वो रिपोजिशन जरूर आपको करते हुए दिखाई देंगे। क्लच गॉड की बात करें वो बग्गी लेके निकले जरूर है, न्यू उनके पीछे आपको दिखाई देंगे, उनके पास है फर्क नहीं पड़ता। गॉडलाइक की स्क्वाड की बात करें, टीम इनकॉग्निटो की स्क्वाड की बात करें, बर्नेक्स ऑफिशियल की बात करें, ये तीनों स्क्वाड जिस तरीके से रोटेट करके आए लाजवाब प्रदर्शन आपको देखने को मिलता हुआ। टीम इनकॉग्निटो की बात करें एक बार फिर से वो आपको जोन के अंदर दिखाई देंगे और अब मुझे लगता है आखिरी जो फाइट होने वाली है वो होने वाली टीम इनकॉग्निटो वर्सेस गॉडलाइक की जो फाइट है वो देखने को मिलेगी। अच्छा ग्रेनेड वहां पे स्क्वाड पूरी तरीके से एलिमिनेट हो सकते हैं। जी गॉड डाउन है, स्मोक किया जाएगा, रिवाइवल के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल बने हुए हैं, रिवाइवल आ भी जाएगा। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनकॉग्निटो की, वो रिवाइवल के लिए जाते हुए तीसरे प्लेयर को रिवाइव कर दिया, फिर से 3 मैन स्टैंडिंग हो चुके हैं। क्या चौथा रिवाइवल आएगा वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। बट ड्रैगन वहां पर वो चीज होने देंगे, जेनी को डाउन किया थ्रू द स्मोक, यहां पर बीस्ट पूरी कोशिश करें डैमेज देने की। इनकॉग्निटो वहां पर पीछे की तरफ मुझे नजर आ रही है, अगर वो यहां पर पुश करती है अपनी टीम को बचा सकते हैं। इनकॉग्निटो की तरफ से ड्रैगन के ऊपर नॉक निकाला गया, अभी भी टीम इनकॉग्निटो में जान बची हुई है। देखिए इनकॉग्निटो बचे हुए, स्कार बचे हुए, स्कार को डाउन कर दिया गया।
इनकॉग्निटो फाइनल फाइट लेने के लिए जाते हैं, चाफरी पे इनको स्पॉट में स्प्रे के लिए गए, ड्रॉप शॉट आता हुआ रिबेल को भी डाउन किया, कंफर्मेशन के लिए जाएंगे रैम्पेज पे, यहां पर बर्न बीच जाते हुए एंड कंफर्म करते हैं इनकॉग्निटो अपनी टीम को अलाइव रखती हुई, तीन कंफर्मेशन उन्होंने निकाले, बट अब उनका सामना होने वाला है गॉडलाइक से, क्या गॉडलाइक से बच जाएंगे, 7-8 फिनिशेस यहां पर आते हुए एंड गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स फाइनली आती हुई टीम इनकॉग्निटो को फिनिश करेंगे एंड एक बेहतरीन चिकन डिनर उनके लिए आता हुआ मेजी। जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट कोई मुकाबला नहीं है, चलते सीधा पॉइंट स्टैंडिंग पे, देखते हैं कि इस वक्त गॉडलाइक जिनके पास विनर चिकन डिनर है उनके पास टोटल फिनिशेस कितने हैं, 12 फिनिशेस उन्होंने निकाले इस पर्टिकुलर मैच में, 27 टोटल पॉइंट इनकॉग्निटो, वो भी ज्यादा पीछे नहीं रहेंगी, 8 दोनों टीम सर्कल के अंदर, लेकिन क्लच गॉड जो है वो अभी के लिए रुकने का नाम नहीं लेंगे, इजीली स्पॉट के एक प्लेयर को डाउन किया, नियो जो उन्होंने एमवाईएम के एक प्लेयर को रिवर्स नॉक किया, एटलस जो कि सोलो मैन स्टैंडिंग बचे थे, मेरे यहां पे पता ही नहीं चला फाइट स्टार्ट कब हुई खत्म कब हुई, टीम गॉड लाइक यहां पर 5 फिनिशेस जो वो ले लेंगे, सारे प्लेयर सर्वाइव करें, क्लच गॉड हील करेंगे अपने आप को, नियो जो वो अपने आप को इजीली हील कर देंगे, और अब एक बैटल खत्म तो दूसरी बैटल स्टार्ट, टीम ट्रू रेपर्स और टीम गॉड लाइक एक दूसरे के आमने सामने, अब असली फाइट यहाँ पे चलने वाली है, अब असली महायुद्ध होगा, डाउन जरूर किए गए, एचएस के स्क्वाड अभी भी यहाँ पे मौजूद है, रौनक किसी बीच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ट्रू रेपर की बात करूं पे यहाँ पे पुश आता हुआ गॉड लाइक का एक प्लेयर काफी ज्यादा डैमेज हो गया, व्हाट एक्सप्लिसिट वहां पे जोनाथन चलती गाड़ी से उनको यहाँ पे डाउन करा गया, कैसे पता नहीं, बट टियोन ऊपर साइड पे मौजूद रहेंगे, जाने की गलती कर सकते हैं और उन्होंने वो गलती करी जरूर है और उसका पनिशमेंट उनको मिलेगा, इसी के साथ नियोन को डाउन किया गया, पूरी तरीके से खत्म जरूर किए गए, नियो के एचपी बहुत ज्यादा कम है, 3 फिनिशर निकाल रखे, एक अच्छा ग्रेनेड नीचे की साइड पे मौजूद है, डैमेज दिया जा सकता है उस ग्रेनेड से, बट नहीं बिल्कुल डैमेज पड़ा जरूर है, बट एक प्लेयर और भी है ट्रू रिपर का जो आपको यहाँ पे दिखाई जरूर देगा, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा दूर थे, यस बिल्कुल 7 मौजूद थे, बट वो वहां से निकलने में ही उन्होंने अपने आप को भलाई समझी, ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश है, यस बिल्कुल ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश है और कामयाब भी हो सकते थे, बट ब्लाइंड नेक ऊपर मौजूद थे और जोनाथन को डाउन किया गया, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, बट बाकी जो प्लेयर है मोस्ट प्रोबेबली जोन के अंदर पहुंचने में इस वक्त कामयाब हो जाएंगे, बहुत मुश्किल रहने वाले यहाँ पे टीम गॉडलाइक के लिए, बिकॉज अब हर तरफ से फट चुके, एक तरफ टीम ब्लाइंड जो है वो मौजूद है, दूसरी तरफ टीम हैदराबाद हाइड्रास मौजूद है और बीच में टीम गॉडलाइक यहाँ पर फर्स्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि टीम हैदराबाद हाइड्रास जो है वो यहाँ पर एक्शन में हमें देखने को मिल जाएंगे और साइड पे मौजूद थे, जो ब्रिज के साइड पे मौजूद थे उनको यहाँ पे डाउन कर दिया है, गॉडलाइक के पास एक और फिनिश आता हुआ नीचे, नोवा पूरी जो नोवा आपको देखने को मिलेंगे पैरानी में तैराकी जरूर दिखाई लगाते हुए दिखाई देंगे, आइकॉनिक की बात करें उनका साथ देंगे, बड़े इस ब्लैक यहाँ पे मौजूद है, उनको पता है कि इस वक्त गॉडल के दोनों प्लेयर हैं वो ब्रिज पे मौजूद है, एक अच्छा ग्रेनेड हो सकता है बट नहीं, उनके पास ग्रेनेड्स इस वक्त शायद कमी मिल सकती है देखने को, बट नहीं उनके पास ग्रेनेड्स है, इस एक स्मोक किया सामने के साइड पे, व्यू ब्लॉक जरूर किया गया, एचएस के बाकी जो प्लेयर है वो रश करने को पूरी तरीके से तैयार हो जा चुके हैं, इस बैक थोड़ा आगे पनिश किया गया, फिर से पीछे साइड पे गए जरूर है, बट क्या ये रश एचएस के लिए कामयाब हो सकता है, नहीं वो देखना पड़ेगा, एक अच्छा स्प्रे यहां पे आता हुआ एचएस का, एक प्लेयर डाउन बट नहीं उनके ऊपर से डाउन से कैरी सामने के साइड पे, तो मौजूद है क्लच शॉट की बात करें ऊपर इनके पास से बहुत सारा डैमेज दिया गया सामने के साइड पे, स्ट्राइकर उनको भी डाउन कर दिया गया, क्लच शॉट अकेले बचा, फिर से क्या यहां पे कामयाबी हासिल होगी या फिर नहीं, बट नहीं कामयाबी नहीं हासिल होगी, कैरी रेड बुल वाला क्यों नहीं खेल रहा है, इनवाइट नहीं मिला, बहुत ही झंड झंड टीमों को इनवाइट मिल रखा है, एक दो नहीं मैं देख रहा था यार, इनसेन वगैरह सब खेल रही है, इनसेन और वो एनजीएस एनजीएस सब नहीं, सारी टीमें नहीं खेल रही है, अपने को इनवाइट नहीं मिला, एक्सो को नहीं मिला इनवाइट, एक्सो खेल रही है, क्या बोल रहा है, नहीं एक्सो खेल रही है, हाँ बाद में दे दिया, पर किस बेसिस पे स्लॉट दे रहे रेड बुल वाले, स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग बेसिस पे है भाई, नोटविन के हाथ में सर, रेड बुल का कुछ सीन नहीं है, नोटविन वालों को जिसने लिस्ट दी कि ये टीम आजकल खेल रही है सही खेल रही है, वो बंदे की वजह से हुआ है जो भी हुआ है, उसको भरो पकड़ो भरो उसको, बट अगर ऐसे ही उसने नाम दिया फिर उसने एक दो का फर्स्ट हैंड में नाम क्यों नहीं दिया, पता नहीं बाद में दिया रहेगा, किसी बाद में तो लोगों ने वीडियो डे बना दी ना भाई, लोगों ने वो बना दी पर वीडियो ये सब बना दी, इसी हिसाब से 7C क्यों नहीं दिया, अरे मैं बताता हूं क्या हुआ है, पहले 7C एक्सो इन लोग को स्लॉट नहीं मिला था, लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, अब ये नहीं करेंगे देखेंगे नहीं, एक्सो को स्लॉट दो स्लॉट दो, फिर इन्होंने दिया एक स्लॉट बढ़ाया है इन्होंने, 7C को तो अभी भी नहीं मिला हुआ, और ऊपर से 4 से ज्यादा प्लेयर अलाउ भी नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में दो दो तीन तीन प्लेयर के साथ खेल रही है, एक्सो तो जान के थ्री मैन खेल रही है, सेंसी जान के नहीं खेल रहा क्योंकि वो चाहता है कि उसकी टीम बिना एजेल के भी खेल पाए, तो फिर से 3 दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहा है।